दोष घर लगाओगे तुम पर भी लगाया जाएगा, दोष घर लगाओगे तुम पर भी लगाया जाएगा। जैसा किसी को तुम दोगे तुम्हें वैसा दिया जाएगा, दोष घर लगाओगे तुम पर भी लगाया जाएगा, दोष घर लगाओगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर रॉबिन फ्रॉम न्यू दिल्ली। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और सचमुच परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में आज अद्भुत समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से हम बात कर सकें। मेरे प्रियो, जो आज का न्यू टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो बड़ा ही एक प्रेम का टॉपर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने इस संसार से कैसा व्यवहार किया। और अगर हम प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के बारे देखें, यीशु मसीह का व्यवहार देखें, तो बहुत ही अलग व्यवहार था और बहुत प्रेम वाला एक व्यवहार था और दूसरों को बचाने का व्यवहार था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ कि हम जब दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। इस टॉपिक का मीनिंग है कि दूसरों पर दोष क्यों लगाया जाता है। हम जब दूसरों पर दोष लगाते हैं तो अपने आप को बहुत पवित्र ठहराते हैं और अपने आप को बहुत साफ सुथरा ठहराते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। यीशु मसीह ने ऐसा किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, बल्कि यीशु मसीह ने एक पापी के साथ, एक दोषी के साथ कैसा व्यवहार किया है और कैसा प्रेम किया है, हम आगे जाके इस स्टोरी को देख सकते हैं। प्रभु के लोगों, हम आज परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, जैसे लूका सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 10 से लेके और आखिर तक हम देखते हैं, तो वहाँ तक दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में गए। बाइबल बताती है, एक तो फरीसी था जो अपने आप को बहुत धर्मी ठहराता था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और बाइबल बताती है कि किस तरह उन दोनों ने प्रार्थना की है। जब वो दोनों परमेश्वर के भवन में जाते हैं और जो फरीसी था उसका प्रार्थना था एक धार्मिकता की तरह कि मैं बहुत धर्मी जन हूँ और वो अपने आप को दर्शाना चाहता है कि मैं बहुत पवित्र हूँ। वो परमेश्वर के सामने कैसे प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं एक बहुत धर्मी पुरुष हूँ और मैं हफ्ते में दो बार उपवास करने वाला हूँ और मैं आपकी कमाई में से मैं आपको दसवां देने वाला हूँ। तो उसके बाद जब हम चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुनते हैं तो बाइबल बताती है कि वो रोने लगा, किरलाने लगा, अपनी छाती को जोर जोर से पीटने लगा और अपने आंखों में से आंसू बहा बहा के और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपके सामने आ सकूं, मैं आपके हैकल में आ सकूं, मैं आपके भवन में आके मैं आंखें मिला सकूं। और उसने प्रार्थना की, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मेरे गुनाहों को माफ कर दो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इन दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी गई। तो सचमुच प्रिय, चुंगी लेने वाले के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को धर्मी नहीं बल्कि अपने आप को वो पापी दर्शाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया है। जब हम लूका सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 36 से लेकर 40 तक देखते हैं तो वहां पर बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह के एक दृष्टांत को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर में इनवाइट किया। उसने अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया कि प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे घर में आइए और भोजन करिए। लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस नगर में एक स्त्री थी जो बहुत पापन थी और जिससे लोग बहुत घिन करते थे, जिससे लोग बहुत नफरत करते थे। तो बाइबल बताती है कि जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन करने के लिए आया, तो यीशु मसीह जब उस घर में बैठा हुआ था तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आई। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ पर बैठा हुआ था तो वो स्त्री वहाँ पर चल कर आई और उसने आकर
अपने प्रभु के पाँव में बैठकर अपने आँखों से आंसू बहने लगी और आंसुओं से उसके पाँव को धोने लगी और अपने सिर के बालों से उसको पूछने लगी। और उसके बाद वो दोबारा प्रभु यीशु मसीह के पाँव को धोती है, यीशु मसीह के पाँव को साफ करती है। और उसके बाद उसने उस धोने के बाद वो उसको दोबारा चूमती है और चूमने के साथ जो सबसे महंगा उस समय का जो अतर था, जिसको हम आज के ज़माने में परफ्यूम कहते हैं, जो बहुत कॉस्टली होता है, वो पूरा यीशु मसीह के पाँव पर लगाता है। और जब वो यीशु मसीह के पाँव पर लगाती है और वहाँ पर जो एक मसूली बैठा हुआ था, जो फरीसी था, वो अपने मन में विचार करने लगा। और ये फरीसी ये देखकर सोचने लगा अपने मन में कि अगर ये विश्वकर्ता होता तो ये जान जाता कि ये कौन स्त्री है और कैसी है और कौन उसको छू रहा है, क्योंकि ये तो स्त्री बहुत पापी है। प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी के घर में गया, लेकिन मैं आज आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि फरीसी के मन में एक शंका थी, क्योंकि पहला नंबर वो अपने मन में सोचने लगा क्या ये विश्वकर्ता है। मैं बताना चाहता हूँ फरीसी ने क्यों प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह मरे हुओं को जिंदा करता था, कोढ़ियों को शुद्ध करता था, अंतों को आंखें देखता था, और इसीलिए फरीसी ने यीशु मसीह के अपने घर भोजन करने के लिए बुलाया, क्योंकि वो जान गया था ये गुरु है। वो जान गया था लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया था कि प्रभु यीशु मसीह इस समाज में क्यों आया। वहां पर हम देखते हैं पहला नंबर वो शक कर रहा है वो विश्वकर्ता है, दूसरा नंबर वो कह रहा है ये कौन है और कैसी है जो पापण है इसको छूरी। मेरे प्रियो, आज समाज में ऐसा हो रहा है, इस दुनिया में ऐसा हो रहा है, लोग प्रभु को जान जाते हैं, परमेश्वर की महिमा भी अच्छी कर लेते हैं, वर्शिप भी अच्छी कर लेते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रचार सुनते भी हैं, प्रचार करते भी हैं और लोगों को दिखाते, लेकिन उनके मन में एक शंका नहीं निकलती। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फरीसी के मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि ये विश्वकर्ता होता तो इसको जरूर पता होता ये एक पापण को छूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर सब कुछ जानने वाला है। हम देखेंगे इस आगे वाली स्टोरी में कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उस फरीसी को समझाया। जब सिमोन अपने मन में ये बात सोच ही रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने सिमोन की मन की बात को जानकर सिमोन से कहा, सिमोन मुझे आपसे कुछ कहना है। सिमोन ने कहा, हाँ गुरुजी, बोलिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके बताया कि एक महाजन था और उसके दो कर्जदार थे, एक का 500 रुपये कर्ज था और एक का 50 रुपये। और जब वो महाजन उन दोनों को अपने पास बुलाता है और उनसे कर्ज वसूल करने के लिए उन्हें बोलता है तो वो दोनों गरीब होते हैं, कंगाल हो चुके थे, वो आकर उनसे हाथ जोड़ने लगे, बेनती करने लगे और कहने लगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उस महाजन ने उन दोनों के कर्ज को माफ़ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह सिमोन से कह रहा है, सिमोन जब से मैं तेरे घर आकर बैठा हूँ तूने पानी नहीं लिया ताकि मेरे पाँव धो ले, तू तेल नहीं लेकर आया कि मेरे सिर पर लगाए, और लेकिन मैं जब से यहाँ बैठा हूँ और ये स्त्री जब आई है और ये आते ही मेरे पाँव को अपने आंसुओं से धो रही है, आंसू बहाई जा रही है, उसके आंसू रुक नहीं रहे और बालों से उसको साफ करी जा रही है, और जो महंगा जो अतर इसके पास है वो मेरे पाँव पर लगाई जा रही है और मेरे पाँव को चूमी जा रही है। और इसी तरह सिमोन, इसका पाप है वो बहुत अधिक है और बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये परमेश्वर से बहुत प्रेम करती है और इसी तरह परमेश्वर भी इसको माफ़ करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जा तू कुशल से चली जा क्योंकि तेरे पाप क्षमा हो गए। इस कहानी को बताने का, सुनाने का, दिखाने का हमारा यही एक जरिया है कि आप परमेश्वर की बातों को ध्यान से देखिए और उन वचनों के ऊपर चलिए, क्योंकि हम किसी को कभी भी दोष लगा के बदल नहीं सकते, हम किसी के ऊपर अटैक करके हम बदल नहीं सकते। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पापी लोगों को प्रेम के साथ बतला है, जब हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 130 अध्याय उसके 3 वचन में लिखता है, दाऊद कहता है कि प्रभु अगर तू मेरे अपराधों का
अधर्मों का न्याय करें तो प्रभु मैं कभी भी आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। और संत पत्रस इस बात को परमेश्वर का दास लिखता है, पहला पत्रस का 4:8 इस बात को कहता है कि जो प्रेम है सब पापों को ढक लेता है। मेरे प्रियो, यदि हम प्रेम करेंगे, दूसरों को अपने समान समझेंगे, तो शायद हमारा प्रेम दूसरों के पापों को ढक ले और शायद परमेश्वर उसके जीवन में जल्द तो जल्द काम करे। हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, बल्कि उनको बदले, उनके लिए प्रार्थना करें और खुदा के सामने आकर और हाथ फैला के हम प्रार्थना करें, प्रभु आप इन्हें बदलिए। मेरे प्रियो, मेरा यही मैसेज है, इस मैसेज को प्लीज़ अपने हृदय में रखिए। और अगर आपको परमेश्वर से प्रेम है, आप परमेश्वर के वचन पर सचमुच पूरी तरह चलते हैं, तो इस वचन को पूरी दुनिया में फैलाइए, सब लोगों के पास लेके जाइए, क्योंकि ये ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह का संसार में व्यवहार था और ऐसा ही व्यवहार हमारा होना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो आप सब जितने भी हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, सबको हमारी टीम की ओर से सबको जय मसीह की। और आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के और हमारे प्रेम की, जो यीशु मसीह ने दुनिया से जगत से प्यार किया, प्रेम किया, उसकी एक स्टोरी है। और जो हमारी पूरी नूर पावर मिनिस्ट्री ग्रुप ने ये स्टोरी की है, आप सब ये स्टोरी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारी रिक्वेस्ट है, बेनती है कि आप इसे ज़रूर देखें और शेयर भी करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का जरा अपने प्रेम का संदेश है, वो लोगों तक पहुँच सके। तो ये नूर पावर मिनिस्ट्री जिसकी तरफ से हमने ये वीडियो शूट किया है, हमारे साथ हमारे ब्रदर रिंकू मैरम साहब जो डायरेक्टर हैं इस पूरी वीडियोस के, ये भी आपको। हेलो दोस्तों, मैं आर के मेहरम। सो इस स्टोरी ने बहुत साथ दिया, हमारे साथ ब्रदर रॉबिन जी हैं दिल्ली से और जो इसके मेन हैं, और ब्रदर हरुण जी जिनकी बहुत सपोर्ट थी, और ख़ासकर हमारे डीओपी साहब, कैमरामैन मिलन जी, ठीक है, और ब्रदर और कपिल मदान जी और सारी टीम का बहुत सपोर्ट था। और ख़ास करके बात ये है सर कि जो ये वीडियो हमने बनाया है, इसका मेन यही टॉपिक है कि हम किसी पर दोष ना लगाएं। दोष लगाने से हमारा मेन काम नहीं होता, क्योंकि हम किसी को अगर सुधारना चाहते हैं तो उस पर दोष नहीं लगाना, और ये टॉपिक है दोष ना लगाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, अगर आपके पास कोई थीम है, कोई टॉपिक है, तो आप ज़रूर कमेंट में उसको बताइएगा। और दूसरी बात कि इसको और शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग समझ सकें। और आप भी, हम आस करते हैं कि आप इसको समझेंगे और इस पे अमल करेंगे और आज के बाद किसी पे दोष नहीं लगाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, जय मसीह की, जय मसीह। दोष लगाओगे तुम पर भी लगाया जाएगा, जैसा किसी को तुम दोगे तुम्हें वैसा दिया जाएगा। दोष लगाओगे तुम पर भी लगाया जाएगा, दोष लगाओगे तुम पर भी लगाया जाएगा।